मोदी के एक कदम ने कर दिया सब कुछ साफ। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास से मोदी ने की बात। पीएम मोदी के इस कदम पर क्या बोले मुसलमान? जानकारी इस वक्त मिल रही है, भारत ने फिलिस्तीन के लिए मदद भेजी है। फिलिस्तीन के लिए 6.5 टन मेडिकल मदद भेजी गई है, 32 टन आपदा राहत सामग्री भेजी गई है, दवाएं भेजी गई है, सर्जिकल सामान भेजा गया, तंबू, स्लीपिंग बैग्स, ये सब भेजा गया है, तिरपाल, पानी साफ करने की टैबलेट जो होती है भारत ने फिलिस्तीन को वो सब भिजवा दी है। और ये मदद जो है ये मिस्र के रास्ते भेजी गई है फिलिस्तीन तक। मिस्र के अल आरिस एयरपोर्ट जो है वहाँ पर भारतीय वायुसेना का जो विशेष विमान है वो ये राहत सामग्री लेकर पहुंचेगा। खबर बता दूं कि हिजबुल्ला के ठिकानों पर बमबारी लगातार जारी है। इजरायली सेना ने मोर्टार से हमला किया है। हमले में हिजबुल्ला के कई ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं। जिस तरीके से हमास और इसराइल की जंग चल रही है, इंडिया ने ओपनली बोला है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब सिविलियन पे मुश्किल वक्त आया, फलस्तीन के गजा के सिविलियन पे मुश्किल वक्त आया, तो इंडिया की तरफ से टनों के हिसाब से हेल्प वहाँ पे एड भेजी गई है। इंडिया ने मेडिकल एड जो है वो गाजा के लिए भेजने, यानी कि फलस्तीन के लोगों के लिए भेजना शुरू कर दिया है। सर, ये इंडिया के एक अलग मूव है, इसके पीछे आखिर आप क्या रीजन समझते हैं कि इसराइल को सपोर्ट करना और जो मेडिकल एड है और कई टन 31 या 32 टन जो है उन्होंने एड भी भेजी, काफी जो है हेल्प कर रहे हैं फलस्तीन के लोगों के लिए। अच्छी पॉलिसी है, इंडिया हमेशा एक बैलेंस तरीके से चलता है। हमें सिर्फ उल्टी बात ही करनी आती कि इंडिया ने ये कर दिया, फला मुलक ने वो कर दिया। हम अच्छाई की बात नहीं कर सकते कि यार इंडिया ने देखिए आज गरीबों की मदद की है, मजलूमों की मदद की है। देखिए जो भी है, कौन जालिम है, कौन मजलूम है, इसका हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, पानी उनका बंद कर दिया गया, बिजली उनकी बंद है, मेडिसिन उनके बंद है, खाने पीने की चीजें उनके पास नहीं है, तो इंडिया के दिल में अल्लाह ने रहम दिया। इजराइल हमास युद्ध में भारत ने खुलकर इजराइल का साथ दिया है। भारत ने इजराइल पर हुए हमले को एक आतंकी हमला करार दिया। वही आज के समय भारत ने पूरी दुनिया को चौंकाते हुए फिलिस्तीन को भी राहत सामग्री पहुंचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत फिलिस्तीन के लिए ऐसी मानवीय मदद भेजता रहेगा। भारत ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए 6.5 टन चिकित्सा सुविधा और 32 टन आपदा सामग्री भेजी है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान हमेशा कहता है कि जो भारत है वो मुसलमानों के खिलाफ है। भारत द्वारा उठाए गए कदम को लेकर आइए देखते हैं कि लोगों में क्या राय है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ था, उनके प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली बोला है कि और भाई हम पूरी दुनिया में वाहिद इंडिया था जिसने ओपनली ऐलान किया, कोई बात बीच में रख के नहीं, कोई साइड लेके नहीं, कोई पीस नहीं, कोई बात नहीं, उन्होंने सीधी बात की कि हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, जो हमास ने अटैक किया इस वजह से। लेकिन हमास ने जब 5,000 रॉकेट छोड़े तो इंडिया ने कहा ज्यादती हो रही है, उसने कहा कि मैं इसराइल का साथ दूंगा। लेकिन अब वही इंडिया है जो हमारा मीडिया दिन में 10-10 बार इंडिया की बात कर रहा था कि जालिमों के साथ खड़ा हुआ है, मजलूमों की साइड नहीं ले रहा, जो ताकतवर है उनके साथ खड़ा हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ, जी मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, और जहां मुसलमानों की बात होगी इंडिया तो सबसे पहले मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा होगा। ये वही इंडिया है जिस इंडिया ने आज बहुत बड़ी एड भेजी है, ऐसे ही है। और पूरा एक त्यारा, एक एरोप्लेन, एक जहाज पूरा जो है अभी इजिप्ट में मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था पहुंच चुका हुआ है, ऐसे ही है। और हमारी वीडियो खत्म होने के बाद मेरे ख्याल से वो उस जगह गजा में पहुंच चुका होगा और लोगों की हेल्प होगी। उसमें बच्चे हैं, उसमें बूढ़े हैं, उसमें औरतें हैं, उसमें जवान हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं, कोई मलबे तले है, कोई कुछ है, तो देखे इंसानियत है, अगर दिल है तो उन्होंने एड भेजी। अच्छा, है ना आबिद भाई, यहाँ पे पाकिस्तान मीडिया को ज्यादा डिस्कस करना चाहेंगे। देखें, हमें नफरतों में या दुश्मनी में इतना आगे चले जाते हैं कि हमेशा नेगेटिव साइड, जो साइड अपने मतलब की होती है वो हम दिखाना चाहते हैं और पाकिस्तान की पब्लिक को एक माइंड सेट करते हैं, नैरेटिव बिल्ड करते हैं। ये बताएं, कहीं पाकिस्तान मीडिया पे आपने ये खबर सुनी हो कि इंडिया की तरफ से गजा वालों के लिए, सिविलियन के लिए हेल्प गई है? कहीं पे आपने ये खबर सुनी हो? एक जगह पे ये खबर अभी तक मैंने नहीं देखी। अच्छा, ये तो ये इस जंग की बात कर रहे हैं ना, अभी आपने तुर्की में देखा होगा लास्ट जो जलजला आया था, बड़ी तबाही हुई थी, इंडिया ने उधर भी बहुत बड़ी इमदाद भेजी, लोगों की मदद की, ऑपरेशन दोस्त के नाम से आई थिंक, जी हाँ बिल्कुल प्रॉपर ऑपरेशन हुआ और लोगों को फायदा मिला उधर, लोगों को यानी कि उनकी हेल्प हुई, तो ये एक अच्छा काम है। देखिए, जहाँ अच्छा काम हो रहा होगा हम लोगों को बोलना चाहिए, हमारे मीडिया को बोलना चाहिए, उसके ऊपर बात करनी चाहिए कि यार हमें सिर्फ नेगेटिव फैलाना आता है, हमें सिर्फ उल्टी बात ही करनी आती है कि इंडिया ने ये कर दिया, फला मुलक ने वो कर दिया। हम अच्छाई की बात नहीं कर सकते कि यार इंडिया ने देखिए आज गरीबों की मदद की। पाकिस्तानी सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उसके लोगों को इंडिया की अच्छाई के बारे में भी पता लगे। भाई, जिस नफरत को पैदा करने में उन्होंने 75 साल लगाए हों, उसी नफरत को इतनी आसानी से कैसे खत्म करेंगे? मजलूमों की मदद की है,
देखिए जो भी है, कौन जालिम है कौन मजलूम है इसका हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, पानी उनका बंद कर दिया गया, बिजली उनकी बंद है, मेडिसिन उनके बंद है, खाने पीने की चीजें उनके पास नहीं है, तो इंडिया के दिल में अल्लाह ने रहम दिया। आज देखें इंडिया ने पूरा एक एरो, पाकिस्तान ने भी भेजा है, हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान की भी बात करना चाहेंगे, पाकिस्तान ने भी एड भेजी, पाकिस्तान ने मदद की, पाकिस्तान ने भी प्लेन भेजा, ये सारा कुछ हुआ। इंडिया की बात इसलिए ज्यादा की जा रही है कि इंडिया यहां जो दिखाया जाता है वो पॉजिटिव चीज भी दिखा, इंडिया की बात इसलिए हम लोग ज्यादा कर रहे हैं कि देखिए हमें तो हमारा मीडिया ये बता रहा है कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया मुसलमानों का दुश्मन है, जहां पे कोई मुसलमानों के अंगेज जो जंग चल रही होगी इंडिया उसमें मुसलमानों के अंगेज साथ देगा, तो ये वही इंडिया है भाई, आज एड भेज रहा है, आज जहाज भेज रहा है, बहुत बड़े लेवल का सिलसिला कर रहा है और उन्होंने नेक्स्ट फिर करना है, क्योंकि मजलूम की मदद इंडिया करता है भाई जान। अच्छी पॉलिसी है इंडिया, हमेशा एक बैलेंस तरीके से चलता है। तो मोदी जी ने पहला जो बयान दिया था उसमें एकदम इसराइल की सपोर्ट ले ली थी, बाद में उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, उसने कहा कि हम हमास की टेररिज्म को कंडेम करते हैं, लेकिन हम जो टू स्टेट सॉल्यूशन है, एक वायबल पैलेस्टीनियन स्टेट, सो अंडरलाइन किया वायबल होती है, जो एक वाकई पूरी स्टेट हो, सिर्फ दिखाने के लिए ना हो, इफेक्टिवली एक स्टेट हो, हम उसके भी सपोर्टर हैं। उसकी वजह के वन साइडेडली अगर इंडिया सपोर्ट करे नेतन्याहू को और उसकी हुकूमत को, तो फिर उनके ताल्लुक जो अरबों के साथ हैं वो ख़राब होने शुरू हो सकते हैं ना, और इतनी ट्रेड इंडिया की अरब मुल्कों के साथ है, एंड जो इंडिया का पुराना स्टांस है शुरू में जब ये इसराइल कायम हुआ था, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने उसके बनने के खिलाफ वोट दिया था, तो पुरानी पोजीशन जो इंडिया की है वो तो ये भी है कि सबसे पहले PLO का दफ्तर जो है वो इंडिया ने अपने वहाँ पर खोलने दिया, तो एक पुराने लिंक भी हैं। तो जो मौजूदा हुकूमत है शायद अब बैलेंस कर रही है दोनों चीज़ों को, और अगर उन्होंने इस किस्म की एड भेजी है तो ये खुशी की बात है, अच्छी बात है, इंडिया की मैच्योरिटी की निशानी है, देखते हैं अब क्या होता है। दोनों हाथ मेरे पूरी दुनिया के आगे जुड़े हुए हैं, ठीक है, और प्लीज मेरा ये मैसेज पीस का, अमन का, आप लोग पूरी दुनिया सुनिए, इन जंगों में कुछ नहीं लगा, देखें ना अब चाइना, हर दुनिया के किसी भी कंट्री का नाम लें तो वो जंग करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है, कोई बहस चल रही है, तो इन जंगों में कुछ नहीं पड़ा, छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचिए सर, ये जंगें जब हो जाती हैं तबाही के बारे में सोचें, वो मुल्क 100-100 साल 200-200 साल पीछे चला जाता है, जिस मुल्क में जंगें स्टार्ट होती हैं बिल्डिंगें तबाह होती हैं, इकोनॉमी तबाह हो जाती है, हर चीज तबाह हो जाती है उस मुल्क की। एक सवाल मैं पाकिस्तान की पब्लिक से भी करता हूँ, आज आपसे भी कर रहा हूँ, इस्लामिक कंट्रीज की अगर बात करें, लबनान, सीरिया, फलस्तीन, इवन पाकिस्तान की बात कर ले, अफगानिस्तान की बात कर ले, इधर ही अंदर की बात करता हूँ, ये हमेशा याद रखिएगा जो मैं बात करने लगा हूँ, कोई मुसलमान जो हम कहते हैं कि जी पूरी दुनिया में मुसलमानों की कंट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं और मुसलमान मुसलमान के हक में खड़ा होगा, कोई किसी के हक में खड़ा नहीं होता, ये याद रखिएगा, हर बंदा अपने मुल्क के अपने मुफाद में खड़ा होता है, ऐसे ही है। जब उसे अपना मुफाद नजर आ रहा होगा वो जरूर बात करेगा, उसे मुफाद नहीं नजर आ रहा होगा तो वो बात नहीं करेगा। तो ये जो सिलसिले हैं ना, ये सारे मामलात है, अभी देखिए जो ये जंग चल रही है, कितने मुसलमान ममालिक हैं जो उधर जाके जंग लड़ रहे हैं, या ऐलान तो सब करते हैं, बड़ी बात ये है कितने मुसलमान कंट्रीज ने इंडिया की तरह हेल्प भेजी है सिविलियंस के लिए, बड़ा सवाल तो ये है। अभी तो पूरी दुनिया कह रही थी कि हमारा किबला अव्वल है, उसमें मुसलमान ये कह रहे थे कि हम यहूदियों को उधर कब्जा नहीं करने देंगे, हम ये कर देंगे, हम बम मार देंगे, वो कितने मुसलमानों की कंट्री है मुझे भी तो बताइए कि जिन्होंने जाके उन गरीबों की हेल्प ही की हो, बम मारना बड़ी दूर की बात है, किसी ने जाके गरीबों के बच्चों को बचाया हो उधर, कहाँ गई वो मुसलमान कंट्री है, कभी ईरान का नाम ले रहे हैं, कभी किसका ले रहे हैं, देखिए ईरान की भी अगर बात करें वो कौन सी हेल्प कर रहा है, वो मिसाइल दे रहा है, वो इस तरीके से मतलब जंग को, हमास की हेल्प कर रहा है, यानी जंग को बढ़ावा, जंग को बढ़ावा देना अच्छी चीज है, कि उन्हें ये चाहिए था कि इधर पीस की बात करते, ईरान को भी चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए, इंडिया को भी चाहिए, दुनिया का कोई भी मुल्क है उन्हें चाहिए, पीस बेहतर है, तबाही बेहतर नहीं है, क्योंकि तबाही में छोटे छोटे बच्चों की जाने जानी है, माओं की, बहनों की, बेटे की, पता नहीं किस किस की जान जानी है, और फिर वो कंट्री जिसे आप फूलों की तरह बनाते हो, जिस कंट्री के लिए आप ख्वाहिशें करते हो कि हमारी कंट्री ऊपर आए, हमारी कंट्री खूबसूरत हो, हमारी कंट्री डेवलप करे, इधर यूनिवर्सिटियां बने, जब वो सारा कुछ ही तबाह करवा लोगे आप, तो क्या फायदा हुआ आपको जंग लड़ने का, ठीक है, तो ऐसी जंगें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है,
और देखिए मैं लास्ट इंटरव्यू में बता रहा था कि दुनिया आलमी जंग की तरफ जा रही है, ठीक है, और इस बार अगर आलमी जंग हो गई तो आप यकीन कीजिए दुनिया नहीं बचेगी। एटॉमिक पावर्स हैं बहुत से कंट्रीज, और ऐसी पावर्स हैं सर इंसान पिघल जाते हैं, ऐसे बम हैं, ऐसी उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई हुई हैं कि अभी देखिए जो एक बम है कि जो जमीन पे गिरता है हाइड्रोजन पावर की अगर जी हाँ, अब आप वो देखिए कि उस जमीन पे सालों साल पौधा नहीं पैदा हो सकता, पौधा नहीं उग सकता उस जमीन पे, तो इंसान तो बड़ी दूर। अभी देखिए जापान में एक बम अमेरिका ने मारा था हिरोशिमा के ऊपर, हिरोशिमा के ऊपर जो बम मारा था, आज तक हमें खबरें सुनने को मिलती है तो लूले लंगड़े लोग पैदा होते हैं। तो हम तो बड़ा फखर से कहते हैं, बल्कि हमारे लीडर, हमारे जो उनसे पॉलिटिशियन है वो ये कहते हैं जो पाकिस्तान का एटॉमिक पावर है वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, वो पूरी दुनिया के मुसलमानों का है, हमने किस लिए रखा है, जहां जरूरत पड़ेगी हम फेंक देंगे। तो ये इतना आसान है, मतलब एटॉमिक पावर कोई बॉल की तरह वो बस फेंक देंगे, बात खत्म, आगे से कोई रिएक्शन नहीं आएगा। कैप्टन सफदर ने ये बोला जी हाँ, 70-75 साल जो हमारे मुल्क को 76 साल हो गए हुए बने हुए ना, हमने उस 75 साल में क्या किया, देखिए बात पकड़ी ना जाए लेकिन मैं करूंगा, जरूर करूंगा। हमने उस 75 सालों में क्या किया, बम बनाया, फौज को मजबूत किया, असला खरीदा, जंगी जहाज खरीदे, और क्या हुआ कि फौज ही मजबूत होती गई, हमारी फौज इतनी को मजबूत हो चुकी है, इतनी को मजबूत हो चुकी है कि उन्हें आने वाले 40-50 सालों में जरूरत नहीं है किसी चीज की। कौन कह रहा है कि पाकिस्तानी फौज बहुत मजबूत है, ये फौज जहाँ भी जाती है बस नाक ही कटाती है। अगर आपको मेरी बातें झूठी लगती हो तो पीछे का इतिहास देख लो आप। हाँ, और इतनी मजबूत हो चुकी है कि आप ही जो उनसे वो बोलते हुए आगे आगे सुनिए। सही हो गया। अच्छा सर, जब हमने देखा टर्की में एक जब अर्थक्वेक आया, कितना नेगेटिव स्टांस टर्की जो है वो इंडिया के अगेंस्ट लिया करता था कश्मीर इशू पे और भी बहुत से इशूज पर, लेकिन जब उनको जरूरत पड़ी तो इंडिया ने तब भी उनका साथ दिया, और आज फलस्तीन के लोगों के लिए अगर इंडिया एड भेज रहा है तो ये एक बहुत बहुत बड़ी, यानी कि इंडिया ने अपना दिल दिखाया है कि वो फलस्तीन के लोगों को सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने अपना एक ऑपरेशन भी शुरू किया, ह्यूमैनिटेरियन एड, यानी कि लोग जो इनोसेंट सिविलियंस हैं उनके लिए ये एड है, तो ये अच्छी बात है, अच्छी खबर है। अच्छा सर, उन्होंने एक और ऑपरेशन भी शुरू किया था, ऑपरेशन अजय, डॉक्टर एस जयशंकर ने इसका आगाज किया था, जिस पर इसराइल में जितने भी इंडियंस थे फंसे हुए थे उनको सबको इस ऑपरेशन के थ्रू वहां से जो है रेस्क्यू किया गया, और इंडियन के साथ साथ जो है वो नेपालियन लोगों को भी वहां से रेस्क्यू किया गया। सर, इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं कि इंडिया जब भी हम देखते हैं कि वो सिर्फ अपने मतलब जब मदद की बात आती है तो सिर्फ अपने मुल्क में, मतलब अपने इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करता बल्कि अपने लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं, इंसानियत के लिए बहुत काम करते हैं। तो सर, इसके पीछे आखिर क्या समझते हैं कि क्या इंडिया का वाकई इसके पीछे कोई मुफाद आने वाले टाइम में होगा इस मूव का, या फिर कुछ अलग ही एक, क्या समझते हैं आप? नहीं, बात यह है कि अगर आप किसी के साथ नेकी करें तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करते ना कि दूसरा भी आप की उस बात को याद रखे, तो ये तो एक मुनासिब बात है, अच्छी बात है, मैच्योर होने की निशानी है। और हमास को क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना भी गलत नहीं था, वो अपनी जगह दुरुस्त है, क्योंकि जिस तरह दिखाया गया शुरू में कि उन्होंने हमला किया और सिविलियंस को भी मारा, तो वो तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के खिलाफ है ना ये सारी चीज़ें। लेकिन ये सब जानते हैं कि ये जो हमास ने अटैक किया है उसकी एक 75 साल हिस्ट्री भी है, जहाँ के फ़लस्तीनियों के जो हकूक़ हैं वो पूरे नहीं किए गए, तो फिर उन हालात में एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आई है। मैंने अपने कई वीडियो बना के ये समझाने की कोशिश की है और कुछ लोगों को समझ आ भी गई है कि हमास की टेररिज्म आइसोलेटेड तो कंडेम करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में प्लेस करके एनालाइज करना एक और बात है। हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास गैस नहीं है, हमारे पास आटा नहीं है, हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास जरूरियात जिंदगी नहीं है, हमारे पास यूनिवर्सिटीज नहीं है अच्छे लेवल की। और होगी भी ये सब कहां से, क्योंकि पाकिस्तानी लोग इन सब चीजों को जरूरी नहीं समझते, उन्हें तो चाहिए बस जज्बा, जज्बा हो ताकि विदेशों में जाके भीख मांग सके। आपको शायद पता हो कि दुबई सरकार ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें वे पाकिस्तानी भिखारियों से बहुत परेशान हैं। तो पाकिस्तानी लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि केवल जज्बा लेके चलेंगे तो यही होगा, अच्छा होगा कि वे इन सब चीजों को छोड़ के पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।